जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से संबंधित कुछ विशेष और विशेष जानकारियां। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लग्न कुंडली में अगर किसी के नाइन्थ हाउस में यानी कि नवम घर में भाग्य धर्म के घर में अगर सूर्य अकेले बैठे हों तो क्या होता है पता है? जिनकी कुंडली में सूर्य नवम भाव में बैठे हैं वो जातक है या जातिका, उनका जो भाई होता है छोटा हो या बड़ा हो वो जीता नहीं है। सूर्य के यहां पर पूरी प्रकार से अपने भाई के ऊपर पूरा दोष लगता है, इसीलिए जिनके नवम में सूर्य हैं उनके भाई जीते नहीं हैं, और अगर जी गए तो वो बहुत अधिक शक्तिशाली और अधिक पैसे वाले एक राजा के समान जिंदगी व्यतीत करते, यानी कि किसी चीज की कोई कमी नहीं, ऐश ही ऐश, आनंद ही आनंद, और किसी वस्तु की कमी जीवन में नहीं होती, राजा होते हैं। अधिक जानकारी के लिए या फिर कुंडली एनालिसिस प्रेडिक्शन के लिए हमारे इन नंबर्स पर आप अपॉइंटमेंट बुक करके अपने लिए रेमेडीज जान सकते हैं, प्रेडिक्शन जान सकते हैं और कुंडली एनालिसिस के लिए कह सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।